I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on. अस्सलाम वालेकुम जी, 4P ग्रुप की तरफ से मोहम्मद आसिफ आपकी खिदमत में हाजिर है। अब्दुल्ला, ये घर ज़रा आपको आज दिखाते हैं, B-17 इस्लामाबाद के अंदर, बहुत ही खूबसूरत। ये जो आपको छोटा सा गार्डन नज़र आ रहा है जहाँ पे आप शाम को चाय वगैरह पी सकते हैं, सेम इसी तरह का ज़रा डाउन जा के दिखा सकते हो, नीचे भी दिखाएँ ज़रा जी। तो फ्रंट एलिवेशन आपने इस घर की देखी जो कि बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त है। इस घर के अंदर एक एक चीज़ को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इंटरलिंक किया गया है और डिज़ाइनिंग के अंदर इतनी ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन है कि मेरा जो है वो रंग ढंग बदल गए हैं कि 2017 के अंदर 4080 का ये बहुत ही ज़बरदस्त मॉडर्न डिज़ाइन का खूबसूरत घर, जिसका कलर कम्बिनेशन और इंटीरियर को आपस में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है वो कोऑर्डिनेशन के साथ बनाया गया है। ऊपर सीलिंग अगर आप देखें, ये मेरा कार पोर्च है और सीलिंग आप देखें और सीलिंग के साथ नीचे टाइल्स का कम्बिनेशन देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक है। CCTV कैमरा इसके अंदर इंस्टॉल है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग बहुत ज़बरदस्त से की गई है, ये आप देख सकते हैं सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। और साइड पे जैसे आपको पता है 4080 के साइज़ के साथ आपको साइड पे ओपन स्पेस दी जाती है, ये ओपन स्पेस है जिसके अंदर विंडोज़ का पूरा एक जाल बिछा हुआ है। टाइल वर्क अगर आप देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त ग्रे कलर की बहुत खूबसूरत टाइल, और मेन एंट्रेंस के ऊपर इन्होंने कोई डोर नहीं दिया हुआ, आप देख सकते हैं मेन एंट्रेंस बहुत ही एलिगेंस और बहुत ही ज़बरदस्त है। फिर जब हम अंदर आते हैं लॉबी के अंदर, तो लॉबी के टॉप तक जो है वो आपको लाइट का फ्लो नज़र आता है, और ये ब्रिज एक उन्होंने क्रिएट किया है वो पुराने ज़माने गार्डर लाए होते ना उससे, बहुत ही ज़बरदस्त ग्लास का जैसे ऊपर आप नीचे देख सकते हैं। ये जो जगह है जहाँ अभी हम फर्स्ट इंटर हुए हैं, ये हमारे पास आता है इसका ड्राॅइंग रूम, जो कि बहुत ही खुला डुला सा और बड़ी टाइल्स यहाँ पर लगाई गई हैं, जिसके साथ ये विंडो जो है वो लाइट के लिए और बहुत ही खूबसूरत ज़बरदस्त सीलिंग मॉडर्न है, वो वाली डिप खिड़की नहीं है, और ये सीलिंग पूरे घर के अंदर जो है वो सिमिलरिटी के साथ बनाई गई है। ये आप साइड वॉल के अंदर आप देखें बहुत ही मॉडर्न और ज़बरदस्त किस्म का कम्बिनेशन, साथ आपके ड्राइंग रूम के साथ ही उन्होंने एक अटैच वॉशरूम दिया है, और वॉशरूम की फिनिशेस वन ऑफ द बेस्ट। ड्राइंग रूम के दरवाजे को उन्होंने ग्लास एंड वुडन कम्बिनेशन के साथ किया गया है। अजान हो रही है, अजान के बाद इसको कंटिन्यू करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं अगेन। नीचे मुझे पानी की आवाज़ आ रही है बेसमेंट में, बाद में दिखाएंगे आपको। ज़रा इसका मेन डोर, जैसे मैंने आपको बताया कि लॉबी से आप इंटर होते हैं तो स्टेयर केस फॉर फर्स्ट फ्लोर, रस्से देखो कितने सोने लाए, क्या बात है ज़बरदस्त। इसे कहते हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग। और ये देखें प्लांटेशन यानी कि गमले शमले लाए, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो घर की ब्यूटी को इन्हांस कर देती है। मेन डोर पर चलें, डोर का आप ज़रा साइज़ और डिज़ाइन देखें, बहुत ही ज़बरदस्त डोर, और यहाँ पे आप अपने घर की कीज़ जो है वो हैंग कर सकते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो इस घर में मौजूद हैं। अंदर चलते हैं, घर के अंदर लॉक है जी, हाँ जी लॉक हमने ओपन किया, नवे नवे आए हैं, दरवाज़ा ज़रा ओपन करना मुश्किल हो रहा है, इसको प्रेस करके दरवाज़ा ओपन करना पड़ता है जी, क्या बात है जी। तो मेन जब घर में इंटर हुए तो सबसे पहले जो हमें वेलकम करती है वो ये सामने लगी हुई बहुत ही खूबसूरत मीडिया वॉल, जिसके अंदर तीन जो है वो शो पीस रखे गए हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। 4080 के इस घर के साथ, इस ड्राइंग रूम के अंदर, टीवी लाउंज के अंदर, यहाँ पे साइड पे जो है वो उन्होंने क्या दिया है जी, विंडो दे दी है फॉर वेंटिलेशन, और यहाँ पे देखें कितना खूबसूरत और ज़बरदस्त वर्क हुआ है। पूरे घर की जो सीलिंग है वो वन ऑफ द बेस्ट सीलिंग जो मैंने अभी तक जितने भी घर कवर किए हैं उसके अंदर है जी। उसके बाद यहाँ पे एक विंडो, और विंडो के बाद हम सामने आ रहे हैं किचन के अंदर। किचन की जो फ्लोरिंग है वो वुडन फ्लोरिंग दी गई है, बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त। डोर भी अच्छे साइज का कि बड़े बड़े उन्हें थोड़े पतीले भी अंदर आ जाए। उसके बाद आप इस कलर कम्बिनेशन को देखें, ये कलर मैंने फर्स्ट टाइम देखा है जितने भी घर मैंने कवर किए, बहुत ही लाइट लेकिन बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त वुडवर्क हुआ हुआ है। ये अंदर देखें हाइड्रोलिक के साथ, और बहुत ही अच्छा
اور زیادہ کوریج ہے، اوپر وائٹ کلر ہے اور زیادہ سٹوریج سپیس ہے۔ اس کچن کے اندر ایک خاص چیز ہے، تانوں کھان پینے سے باہر نہیں جانا، کچن کے اندر ہی چیز آپ کو دی گئی ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ آپ کو سٹنگ ایریا دیا گیا ہے اور نان چھولے کھانے اندر سی نا لور، لیکن یہ آپ انٹیریئر ڈیزائننگ میں آ گیا ہے، ماڈرن چیزیں۔ اس کے علاوہ آپ یہاں پہ یہ دیکھیں، ایک ٹاور دیا گیا ہے جس کو میں اوپن کروں گا، اور یہ اندر جناب ہر چیز آپ کے لیے جناب، جو جو چیزیں آپ رکھنا چاہتے ہیں آپ رکھ سکتے ہیں ٹاور کے اندر، یعنی یہ آپ کی ایکسیسریز اس گھر کے اندر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ ہڈ بھی لگا ہوا ہے، یہاں دیکھیں یہ بھی ایکسیسریز یہاں پہ موجود ہیں، یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ۔ تو ہر چیز ماشاءاللہ موجود ہے، صرف تسی سامان لینا ہے تے شفٹ ہو جانا ہے۔ کچن سے یہ دوبارہ ہم واپس نکل کر ٹی وی لاؤنج کے اندر آئے، ٹی وی لاؤنج سے دو رائٹ لیفٹ پہ آپ کے پاس موجود ہے روم۔ اس گھر کے بلڈر نے ایک چیز جو بہت ہی بیسٹ دی ہے، جو میں کہتا ہوں لو یو میرے پیارے بلڈر بھائی، دیٹ از دی پریئر روم۔ یہ کسی گھر میں عموماً نہیں ہوتا، یہ پریئر روم دیا گیا ہے کہ مساجد دور ہوتی ہیں تو بزرگ جو ہیں وہ اس جگہ آ کر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ رائٹ لیفٹ پہ ٹو رومز، پہلے اس روم کو وزٹ کرتے ہیں، بہت ہی اچھا اور سادہ سمپل سا روم، سائڈ پہ دو ونڈو، ابھی ٹچنگ کا کام کہیں کہیں ہو رہا ہے۔ واش روم اگر آپ دیکھیں تو آپ نیچے فلورنگ اور سائڈ پہ جو فلورنگ ہے رنگ برنگیاں ٹائلیں نہیں ہیں، ایک ہی طرح کی ٹائلز ہیں، اور ساتھ اس کے جو وارڈروبس ہیں وہ اس واش روم کے اندر دیے گئے ہیں، میٹ کے ساتھ، پانی واٹر پروف سسٹم کے ساتھ، زبردست ورک۔ اور یہاں بھی آپ دیکھیں بیک سائڈ پہ بھی انہوں نے جناب بڑا اچھا ورک کیا ہے تاکہ پانی سے آپ کی چیزوں کا نقصان نہ ہو۔ اس گھر کے اندر تمام وارڈروبس آلموسٹ جو میں نے ابھی تک آبزرو کی ہیں وہ آپ کے واش روم کے اندر ہی مجھے نظر آئی ہیں، ایک کے علاوہ جو ابھی میں دکھا رہا ہوں جی۔ تو سیکنڈ روم کی بیک سائڈ پہ ونڈو اور یہاں پہ وارڈروبس انہوں نے سائڈ پہ دی ہیں، سیم وہی ماشاءاللہ کلر اور بہت ہی خوبصورت۔ سائڈ پہ انہوں نے واش روم دیا ہے، ذرا واش روم دکھا دیں، اور یہاں پہ بھی انہوں نے بڑا اچھا سا اس کو مینج کیا ہے۔ یہ ٹائلاں دیکھیے نا، کہنے وڈیا ٹائلاں لاندے نے، اور دس از کار دی انٹیریئر ڈیزائننگ۔ بیک سائڈ پہ آپ کا واشنگ ایریا جو اوپن اسپیس دی جاتی ہے۔ اس کمرے کو انہوں نے یہاں سے بھی سائڈ سے اوپن رکھا ہے تاکہ یہاں سے بھی آپ کو وینٹیلیشن مل سکے، یہ نیچے بیسمنٹ سے لے کر ٹاپ تک سارا اوپن اسپیس۔ اب چلتے ہیں جی اس کے فرسٹ فلور کے اوپر، اور میرا دل چاہ رہا ہے فرسٹ فلور سے پہلے بیسمنٹ نہ دکھا دے، یا سرپرائز آخر میں ہونا چاہیے، بیسمنٹ دکھا دیتے ہیں۔ چلیں جی، عبداللہ نے کہا ہے بیسمنٹ دکھاتے ہیں، لیکن بیسمنٹ لاسٹ پہ دکھائیں گے، وہ بہت پیاری ہے۔ اب جی دیکھیں اسٹیئر کیس، انہوں نے لوہے یعنی کہ سٹیل سے اس کا پورا کمبینیشن، اور آپ ذرا اس کی ٹائلز دیکھیں کتنی خوبصورت اور زبردست ہیں، ڈارک ٹیکسچر کے ساتھ بہت ہی اچھی، اور سائڈ سے رسہ بھی پکڑے ہے۔ اس کے بعد جب ہم یہاں آتے ہیں تو یہ ایک برج ہمیں ملتا ہے جو ہمیں نیچے آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یہ جیسے آپ وہ بڑے بڑے ٹاورز میں دبئی وغیرہ میں جاتے ہیں تو جسٹ لائک، اور اوپر جو ہے وہ اوپن سپیس کے ساتھ گلاس کی چھت بنائی گئی ہے، بہت ہی زبردست۔ یہاں پہ انہوں نے مین لابی، اور یہاں پہ ہمارے جو انکل ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ سولر سسٹم دکھا دیں، اور اس روم میں نماز ہو رہی ہے وہ نہیں دکھائیں گے، یہ روم دکھا دیتے ہیں۔ اور یہ روم جو ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ جو جگہ ہے یہ میرا خیال ہے سن بات کے لیے دی گئی ہے کہ آپ بیٹھ کے اسٹڈی کر سکتے ہیں، یا سن بات سم ہو کچھ ایسی ہی چیز ہے۔ اور یہاں پہ اس اوپن سپیس کو دکھائیں، مین وائل میں اس کو واش روم کی لائٹس آن کرتا ہوں، اور واش روم ذرا آ جائیں جی، اس واش رومس کو آپ دیکھیں، اس واش روم بہت زبردست، سائڈ پہ وہی ووڈن کیبنٹس ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو ایریا دیا گیا ہے دیٹ از فار اوپن سپیس، پلس آپ یہاں پہ کوئی سٹوریج وغیرہ چیزیں رکھنا چاہیں تو یو کین مینج، تو بڑے اچھے سے یہ گھر مینج ہوا ہوا ہے۔ وہ پیچھے کرو، پیچھے کر منڈیا، آج تک کار دل خوش کر دیتا ہے جی۔ نیکسٹ جی، واپس جی ہم جناب واپس آئے، اور مین جس طرح انٹرنس ہے وہاں سے رائٹ سائڈ پہ میرے یہاں پہ ایک چھوٹا سمارٹ کچن، لیکن بہت اچھے سے، جیسے میں نے کلر کمبینیشن، بہت زیادہ انہوں نے کلر کو چینج نہیں کیا، تھیم پورے گھر کا ایک ہے، بہت ہی زبردست میڈیا وال، اور بڑا آپ کا ٹی وی لاؤنج ہے، ٹی وی لاؤنج کے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت بڑی میڈیا وال لگی ہوئی ہے، اور یہاں سے ایک سرپرائز ہے، اندر سرپرائز فار یو،
यहाँ पे वैसे इसकी स्टोरेज स्पेस भी दी गई है, और यहाँ से मैं लास्ट एक और सरप्राइज भी आपको दूंगा। सामने वाली वॉल को कितना खूबसूरत डेकोर किया गया है, जबरदस्त 40-80 के इस घर के अंदर बहुत ही खूबसूरत वर्क हुआ है। अब ये कॉर्नर विंडो बनती है, कॉर्नर विंडो के साथ इस रूम को बालकोनी या आप टेरेस भी कह सकते हैं, वॉशिंग एरिया भी कह सकते हैं, टेरेस भी कह सकते हैं, बैठ के आप यहाँ पे देखें इंजॉय कर सकते हैं। और B-17 का माहौल तो अपना ही है ना जनाब, क्या बात है। B-17 जी वन ऑफ द बेस्ट सोसाइटी इन इस्लामाबाद टेक्सला वाकेंड के अंदर अलीट के लिए। इसके अलावा यहाँ देखें सेम उसी तरीके से एक ग्लास लाया ना तो नस्ते, यहाँ पे वार्डरोब्स दी गई हैं, और ये देखें वेंटी बहुत ही ज़बरदस्त और खूबसूरत लगी गई है, क्या बात है, ज़बरदस्त जी माशाल्लाह, बिल्डर वेल डन। नेक्स्ट जी हम रूम में चलते हैं, और इस रूम में भी आप देख सकते हैं कि ये रूम जो है वो प्रॉपर माशाल्लाह साइज़ के साथ है। वो यहाँ पे चेंजिंग रूम और वार्डरोब दी गई है, और बड़े साइज़ की, देखो किन्ने किन्ने कपड़े पाने हैं तुसा यार, देखो तो सही। उसके बाद यहाँ पे आपको एक वॉशरूम दिया गया है हैंडसम साइज़ के साथ, ये ज़रा देखें जी माशाल्लाह ज़बरदस्त साइज़ के साथ है, गोल्डन गोल्डन हो गया जनाब, क्या बात, ज़बरदस्त। अच्छा इस बेडरूम के साथ भी बैक साइड पे अलहदा जो है वो आपकी सिटिंग एरिया प्लस गीज़र लगा हुआ है, गैस भी है लगता है, बजट B-17 में गैस मिल जाती है जी, मुश्किल नहीं है, RLNG मिल जाती है ठक करके, मीटर खुद आके लगा जाते हैं, टेंशन ना लें आप। उसके बाद जी हम नेक्स्ट फर्स्ट सरप्राइज़ की तरफ चलते हैं। फर्स्ट सरप्राइज़ यहाँ से मैं इस स्टेयर के इसको मिनके मिनके ऊपर जा रहा हूँ, और जब मैं ऊपर जाता हूँ तो टॉप पे देखें जी फाइबर की छत लगाई हुई है, और फिर ऊपर जो है वो सोलर सिस्टम भी है। अब डार्कनेस डार्कनेस है थोड़ी सी, यहाँ पे एक रूम दिया गया है ये आप देख सकते हैं, ये वन रूम एज अ सर्वेंट क्वार्टर, ये वन रूम विद अटैच बाथ, और ये अटैच बाथ भी आप दिखा दें, माड़ा काम नहीं किया बंदे ने जी, ठीक है जी, अटैच बाथ के साथ सोलर सिस्टम लगा हुआ ये घर। उसके बाद यहाँ पे आप ये देखें जो आपको मैंने दिखाया था शीशे वाला छत, वो भी है, करीब जाएं अब्दुल्ला साहब फरमा रहे हैं सर करीब जाएं ज़रा शशका आता है, ये देखें जी कितना खूबसूरत और ज़बरदस्त, वाह मुझे डर लगी, देखें भाई जन जी। अब चलते हैं वो सरप्राइज़ की तरफ जो मैं आपको देना चाह रहा था, कि इस घर के अंदर दो आपको मिलते हैं सिटिंग स्पेसेस, तो वो आपको दिखाते हैं। और यहाँ से हम वापस आ रहे हैं जी, 40-80 का ये B-17 का घर, प्रॉपर सन फेस घर है ये, और बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त घर। नीचे चलते हैं, यहाँ से जाते हुए आपने डरना नहीं है, ठीक है जी, ओके जी, अंकल ने नमाज़ पढ़ ली जी, अंकल ने नमाज़ पढ़ ली जी, वापस आते हैं जी। ये आप देखें जी अनदर रूम, और ये देखें कितना खूबसूरत ये बाहर से कितना ज़बरदस्त ये डिज़ाइन है विद वॉशरूम। अब हम चलते हैं इसकी बेसमेंट के अंदर, कि वो क्या ख़ास चीज़ है जो इस बेसमेंट के अंदर जो है वो आपको मिलती है। अमूमन बेसमेंट लोग जो हैं वो एक रफली वैसे बना देते हैं, हॉल सा छोड़ देते हैं, लेकिन इन्होंने उस बेसमेंट की भी जो यूटिलाइजेशन है वो बहुत ज़बरदस्त की है। अब चलते हैं इसकी बेसमेंट के अंदर, और वहाँ देखते हैं कि क्या ख़ास बात है। तो स्टेयर केस से हम जूँ ही नीचे जाएंगे तो ये पानी की आवाज़ आपको हल्की हल्की नज़र आएगी, छोटा जहा फुहारा लाया जी, क्या बात है। दिस इज़ दी बेसमेंट ऑफ दिस हाउस, जिसके साथ उन्होंने यहाँ पे एक आपको आर्टिफिशियल जो है वो गार्डन सा छोटा सा दिया हुआ ग्रीन बेल्ट टाइप, साथ यहाँ पे इन्होंने ये देखिए डेकोरेशन पीस कितना खूबसूरत। अच्छा इसका एक रूम यहाँ पे आपको मिलता है बेसमेंट के अंदर, जिसकी वुडन कैबिनेट्स वार्डरोब्स यहाँ दी गई हैं, वॉशरूम दिया गया है, और इसके साथ साथ ये आपका जैसे मैं ऊपर स्टार्टिंग वीडियो में ऊपर बैठा हुआ था, यहाँ नीचे भी उन्होंने सिटिंग स्पेस दी है कि यहाँ आपके कोई दोस्त यार बैठ सकते हैं, गपशप लगा के तो खाना शाना वहाँ खा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बेसमेंट में उन्होंने एक बड़ा हॉल दिया है, जिसे हम आमतौर पर टीवी लाउंज भी कह सकते हैं, या आप अपने दोस्तों के साथ पार्टी भी कर सकते हैं, फैमिली की गेट टुगेदर भी कर सकते हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट हाउस 4P ग्रुप आपके लिए लेके आया है, और इस तरह के DHA के अंदर हम जल्द ही आपको बहरिया DHA के घर की कवरेज दिया करेंगे। और अब हम एक्सपेंड कर रहे हैं फ्रॉम पिंडी इस्लामाबाद टू टेक्सला वाकेंड, यानी पूरा एरिया हम कवर करेंगे। आपको हमारे चैनल पे हर किस्म की वीडियोस नजर आएंगी। थैंक यू सो मच आपका हमें अप्रिशिएट करने का, लाइक करने का और व्यू करने का और फीडबैक देने का। अल्लाह हाफिज़।